वहलिसानी रबा अलहू महदल वसदानी वसलमत कलबी आमीर तो चलिए इनशा तला आज हम अभी की जो दुआ सीरीज है इसमें थर्ड दुआ करेंगे और सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि कौन से नबी है ठीक है चलिए इनके बोलने में हकलाहट थी यानी जब वो बोलते थे तो थोड़ा स्टैमर करते थे वाले मुबारक उन्हें कलीम भी कहा जाता है यानी उसका लकब भी उनको दिया गया ये भी सलाम है अच्छा ये बताएं कि कलीम उल्लाह का क्या मतलब है कलीम का क्या मतलब है बात की कलाम की अशापश कलाम से है तो इसका मतलब है कि वो जिन्होंने अल्लाह ताला से बात की और फिर आप देखिए जिस तरह वन ऑन वन बात की जाती है ना इस तरह अल्लाह सुबहान की फिर इसी तरह ये बताएं ये बताएं कौन से नबी हैं इन्हें मोजे के तौर पर चमकता हाथ दिया गया ये भी मूसा अल्लाह मुबारक अल्लाह मुबारक एवरी आप सबने सही गेस किया आज इंशाल्लाह ताला हम मूसा सलाम के बारे में कुछ जानेंगे और खास तौर पे जो दुआ हम उनकी सीखेंगे उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे ठीक है आप इंजॉय कर रहे हैं इस तरह थोड़ी सी स्टोरी प्रॉफिट की और फिर साथ ही दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चलिए तो मूसा सलाम की कुरान मजीद में जो सिफात आई है वो है कि बहुत अक्लमंद थे बाज्जत थे आप देखे नोबल्स में से थे फिर अमानत दार थे तोबा करने वाले यानी आपने अलहमदिल्ला कुरान में पढ़ा होगा ना कि जैसे उनसे गलती हुई फौरन रजू किया अल्लाह तला की, की तरफ फिर वफादार भी थे अपने रब के भी और फिर अपनी उम्मत के साथ भी यानी बनी इसराइल के साथ भी तो इनकी स्टोरी हम इनशा देखते हैं असल में ये दो भाइयों की कहानी है और एक भाई का नाम था मूसा सलाम और दूसरे भाई थे अरून सलाम आप लोगों ने सुनी हुई इनकी कहानी पढ़ी हुई है मजीद में माशाल्लाह अल्लाह मुबारक सुबह फरमाते हैं और क्या आपके पास मूसा की खबर आई है ताहा की आयत नाइन में हुआ ये था कि मूसा मदीन में रहने के बाद अब माइग्रेट करके जा रहे थे वापस मिस्र तो मूसा सलाम ने आग देखी फिर उन्होंने कहा कि वो जाकर देखते हैं यानी उनके घर वाले भी उनके साथ थे उन्होंने कहा कि वो जाके देखते हैं कि क्या है ना और फिर साथ ही मकसद भी बताया ये आप देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट था कि आग नजर आई उनको तो फिर जाके उन्होंने कहा कि ये देखो वो आग नजर आ रही है तो मैं जाके देखता हूँ हो सकता है हम वहां पर जाके फिर यू नो स्टे कर लें और यू नो अपने आप को वार्म अप कर सकें फिर अब ये भी हमें ये बात यहां पे पता चलती है कि सलाम बहुत बहादुर भी थे उन्होंने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा तुम ठहरो मैंने एक आग देखी है शायद के मैं तुम्हारे पास इससे कोई अंगारा ले आऊं या उस आग के पास कोई रहनुमाई पाऊं यानी रात के वक्त डायरेक्शन सेंस ऑफ डायरेक्शन इतनी सही नहीं होती ना तो फिर यह कि इस तरह का इलाका होगा कि उनको हो सकता है वहां पे कुछ स्टे कर रहे है, तो हमें कुछ डायरेक्शन मिल जाए फिर जब वो उसके पास आए यानी वो जैसे ही आग के पास पहुंचे तो पुकारा गया ए मूसा यानी मूसा ने आवाज सुनी कि उनको बुलाया जा रहा है या मूसा और फिर मूसा को जो आवाज आ रही थी उसने अपना इंट्रोडक्शन भी करा दिया उन्होंने कहा उस आवाज ने कि यकीनन मैं ही तुम्हारा रब हूँ बस अपने दोनों जूते उतार दो क्योंकि तुम तुवा की मुकदस वादी में हो यानी अल्लाह ताला ने सलाम को बता भी दिया कि मैं हूं ये और तुम अब क्या करो कि अपने जूते उतार दो क्योंकि तुम मुकदस वादी में हो यहाँ पर आप देखें कि हमें इल्म सीखने की मजलिस का अदब बताया जा रहा है कि अपने जूते उतार दें यानी ख़ास तौर पर अगर जूतों के अंदर नीचे को गंदगी लगी हुई हो तो फिर उसको मस्जिद या ऐसी जगह पे अंदर लेके नहीं आना चाहिए जिसमें यू you नो know, अल्लाह का नाम लिया जाता है या नमाज़ पढ़ी जाती है तो चूंकि वो ऐसी जगह थी यहाँ पे अल्लाह सुबहान सलाम को वही देनी थी एक इम्पॉर्टेंट टास्क देना था और इसी तरह वो मुकदस जगह थी तो इसलिए उनको कहा गया कि जूते उतार दें ठीक है एक बस साइड नोट अलहमदुल्ला अभी हमने परसों इस बारे को पढ़ा है तो उसमें उसाजा ने ये बताया था कि इसे ये भी पता चलता है कि हो सकता है कि सलाम के जो जूते थे उनके साथ गंदगी लगी हो तो इसलिए उनको कहा गया लेकिन अगर जूते साफ हों तो आप जूते पहन के भी नमाज पढ़ सकते हैं ये बात भी हमें हदीस से पता चलती है लेकिन अगर जूते साफ ना हो तो फिर बेहतर उनको उतार दें और उतार के नमाज पढ़े ठीक है ऑन साइड नोट फिर अब आप देखें अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी सुनाई और क्या खुशखबरी सुनाई और मैंने तुम्हें चुन लिया का। लिहाजा जो वही की जाए उसे गौर से सुनो एक और आप देखें कि अल्लाह ताला ने एक तो उनको कहा कि यू आर द चोजन वन तुम्हें मैंने अपने दीन के काम के लिए चुन लिया है अब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि बात को गौर से सुनो यहाँ पे आप देखें पहला अदब इल्म का क्या है कि इंसान साफ सुथरे इन्वायरमेंट में हो खुद भी साफ सुथरा हो और फिर दूसरी चीज क्या है कि अटेंटिव लिसनिंग। अगर हम अपना अमल बदलना चाहते हैं ना तो हमें बातों को गौर से सीखना आना चाहिए सलाम को भी अल्लाह ने पहली बात यह बताई पाकिजगी और नंबर टू गौर से बात सुनो और फिर अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी के साथ साथ करने का काम भी बताया ला इल्ला यानी आप देखें अल्लाह सुबह तला ने अपने तारुफ भी करा दिया ना कि बेशक मैं ही अल्लाह मेरे सिवा कोई माबूद नहीं बस मेरी ही इबादत करो यानी शिर की नफ़ी कर दी यहाँ पर और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो तो यहाँ पर आप देखें कि दीन की बेसिक्स बताए जा रहे ना कि अगर हम दीन पर अमल करना चाहते हैं दीन को सीखना चाहते हैं सिखाना चाहते हैं तो पहले हमें अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रोंग करना है तभी हम दूसरों को भी बात बताने के काबिल होते हैं और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में दो बातें हमें शायद से पता चली नंबर वन तो हीद को मजबूत करना और नंबर टू नमाज और फिर नमाज का मकसद भी बता दिया गया कि नमाज क्या है अल्लाह जिक्र करना अल्लाह को याद करना फिर आप देखिए इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दी गई और वो क्या है कि अल्लाह ताला ने उन्हें आखिरत के दिन के बारे में भी उसी वक्त बता दिया यानी आप देखें कि ये पहली इंस्ट्रक्शनज हैं जो मूसा सलाम को दी जा रही हैं तो आप सीक्वेंस देखिए पाकिजगी फिर अल्लाह ताला ने बताया कि गौर से बात सुनो फिर बताया कि शिरक नहीं करना मेरी इबादत करना स्पिरिचुअली स्ट्रॉग करो और फिर यह कि जब इस तुम अपने दीन का काम शुरू करोगे तो जाहिर है बहुत लोग यू नो एक जिसको कहते हैं ना कि मुखालफत भी होती है लोग बातें भी करते हैं आपने देखा इन सब चीज़ों से मूसम ले गुजरे लेकिन अल्लाह तहलें उनको स्ट्रांग कर दिया कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है एक दिन ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जो मुखालफिन है वो भी ख़त्म हो जाएंगे जो उनके प्लान हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे कॉन्स्ट्रसीस भी खत्म हो जाएंगी और हर इंसान को उसकी कोशिश का बदला दिया जाएगा दो बातें शायद से पता चली एक तो ये कि अल्लाह ने ये भी बताया कि क़यामत का दिन पोशीदा है वो किसी को नहीं पता कब आएगी मौत का वक्त भी पोशीदा और क़यामत का वक्त भी और फिर उस दिन हर इंसान को उसकी कोशिश का बदला दिया जाएगा फिर आप देखें कि इस आयत से ये भी बात पता चलती है कि आमद के दिन हर एक को वो मिलेगा जिसने जिसकी उसने कोशिश की यानी अगर कोई इंसान दुनिया के पीछे भागता रहा तो अकॉर्डिंगली उसको मिलेगी दुनिया और अंजाम भी उसके मुताबिक होगा और अगर कोई आखरत के लिए कोशिश करता रहा तो उसको फिर आखिरत मिलेगी जो माल के पीछे भागता रहा वो वो ही हासिल कर लेगा दुनिया में और जो आखरत के पीछे भागता है दुनिया ऑटोमेटिकली उसको मिल जाती है तब आप देखिए हमने अपना भी एनालिसिस करना है कि हम जो सारी कोशिशें कर रहे हैं मेहनतें कर रहे हैं माशाल्लाह रमज़ान का महीना है आप लोग सुबह अपनी नींद भी कुर्बान कर रहे हैं रात को देर से सोते हैं सुबह जल्दी जागते हैं फिर सहरी भी खुद भी कर रहे हैं घर वालों को भी फिर उसके बाद माशाल्लाह दौरे कुरान भी अटेंड कर रहे हैं फिर शाम को भी क्लासेस ले रहे हैं उसके अलावा अपनी नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं नफल भी पढ़ रहे हैं कुरान भी दुआएं भी तस्बीहात भी तो ये सारा कुछ किसके लिए कर रहे हैं ना? कौन सी बात है जो हमें मोटिवेट करती है और हम हर रोज सेम रूटीन दोहराते वरना तो आप देखें कि अब देखा होगा कि कोई भी काम जब किया जाता है ना दुनिया का तो इंसान शुरू में बड़ा एंथुजियास्टिक होता है फिर वो थकना शुरू हो जाता है लेकिन शाबाश अल्लाह कि जब इंसान अल्लाह ताला की रजा के लिए करता है तो फिर वो थकना भी उसे खुशी देता है यानी आप देखें कि आप कितने खुश होते हैं ना जब आप तरावी पढ़ के आते हैं या आप कुरान पढ़ लेते हैं आप दुआएं मांगते हैं आप खुश होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज एबल टू डू सम फिर इसके बाद अल्लाह सुबह तक को एक और नसीहत भी की एक तो आखरत पर ईमान पुख्ता करने की बात कि आखरत आएगी क्या आएगी उसमें हर चीज़ हर एक को हर एक की कोशिश का बदला दिया जाएगा और दूसरा ये कहा कि किन लोगों को फॉलो नहीं करना क्योंकि आप देखें ना कि जाहिर है जब इंसान दीन का काम करता है तो बहुत से लोग उसके साथ मिल जाते हैं उसकी सपोर्ट बन जाते हैं उसके साथी बन जाते हैं तो अल्लाह ताला ने ये भी क्लियर कर दिया कि अपने साथियों में किसको तुमने फॉलो नहीं करना बस वो शख्स तुम्हें हरगिज इससे रोक ना दे जो उस पर ईमान नहीं रखता यानी आखरत पर क्यामत के दिन पर और अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करता वरना तुम हलाक हो जाओगे यानी आप देखें कितनी जबरदस्त एक हमारे लिए रिमाइंडर है कि उसकी पैरवी ना करो जो आखरत पर ईमान नहीं रखता और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करता अच्छा इसका नुकसान क्या होता है इसका नुकसान ये होता है कि हम जिसको फॉलो करते हैं ना उसको जो चीज़ें पसंद होती हैं हमें पसंद होना शुरू हो जाती हैं वो जैसा करता है हम वैसा करना शुरू कर देते हैं अब आप देखें अगर आप उन लोगों को फॉलो करते हैं जो दीन पर अमल कर रहे हैं या दीन सीख रहे हैं सिखा रहे हैं तो आप भी मोटिवेटेड होते हैं अगर आप ऐसे इंसान के साथ दोस्त हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ता तो जब आप उससे मुलाकात करेंगे तो उसको अपनी नमाज की फिक्र नहीं होगी वो आपके साथ टाइम को कैसे प्लान करेगा कि हम इंजॉय कैसे करेंगे ना उसमें नमाज होगी ना अल्लाह की याद होगी ना अल्लाह का जिक्र होगा क्योंकि वो सिर्फ ख्वाहिशात की पैरवी तो इसलिए आप देखें कि दो तरह के लोग होते ना एक है कि जो दूसरों के इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हैं अगर आपको लगता है कि आप अभी इतने स्ट्रांग नहीं है कि दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके और आप उसकी इन्फ्लुएंस में फ़ौरन आ जाएंगे उसकी बातों में आ जाएंगे वो जो कहेगा करना शुरू कर देंगे तो अपने आप को और स्ट्रांग करें दूसरा अगर आपको लगता है कि आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और आपके अंदर इतनी कुत ईमानी है कि जब नमाज का वक्त आए तो आप उसे कहें कि मैं नमाज पढ़ के आती हूँ यू नो इट्स अला टाइम और वो जो मर्जी कहे आप नमाज के लिए उठ के चले जाए चाहे वो आपका मजाक उड़ाए चाहे वो आपको आउटडेटेड कहे कुछ भी कहे कोई चीज आपको शेक ना करे तो फिर तो आप देखिए ऐसे लोगों के साथ रहना इंशाल्लाह आपका रहना उन पे पॉजिटिव असर डालेगा लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी आपको स्ट्रांग होना है तो और स्ट्रांग हो जाए लेकिन ऐसे इंसानों को अनफॉलो करें अनफॉलो तो बहुत अच्छा है ना वर्ड आजकल चाहे वो फेसबुक है इंस्टाग्राम है यूट्यूब है ऐसे लोग हैं जो आखरत पर ईमान नहीं रखते और चाहते नफ्स की पैरवी करते हैं उनको अनफॉलो करें फिर उसके बाद अब आप देखें कि बेसिक इंस्ट्रक्शन सब अल्लाह ने गाइडेंस दे दी अब अल्लाह ने उनसे थोड़ा सा जैसे आपके को बहुत ही खूबसूरत अंदाज है तआला सुबहान्ल तिकमत से बात करें एक रेपो बिल्डिंग भी नज़र आ रही हमें अल्लाह ताला ने उनसे पूछा और ऐ मूसा ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है तुमने क्या उठाया हुआ ना मूसा सलाम ने तफसील से जवाब दिया उसने कहा ये मेरी लाठी है मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे अपनी बकरी ऊपर पत्ते झाड़ता हूँ और इस पर मेरे लिए कुछ और भी फायदे अब आप देखें अल्लाह सोल ने तो सिर्फ पूछा था ना तुम्हारे हाथ में क्या है तो सलाम ने इतनी डिटेल में जवाब क्यों दिया उसकी वजह ये आप देखें कि बिल्कुल शाबाश एक तो उनके अंदर एतम था और ये एतमाद फिर दरबार में रहने की वजह से आता एक कॉन्फिडेंस था और दूसरा आप देखें कि जब एक बंदा अपने रब से मोहब्बत करता है ना तो उसे अच्छा लगता है कि वो ज्यादा लंबी बात करे यस लेकिन आप देखें कि उसमें भी उन्होंने सिर्फ दो तीन बातें एक्स्ट्रा की फिर कंक्लूड कर दिया तो ऐसे नहीं होता कि आप जिससे मोहब्बत करें उसका इतना वक्त ले जाएंगे फिर उसको भी आप यू you नो know, उसका वक्त भी जाया करें और अपना भी ठीक है आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं लेकिन जो आखिर में मूसा सलाम ने कंक्लूड कर दिया ना दो बातों के बाद कि इसमें मेरे लिए और भी कुछ फायदे है उसे पता चलता है कि उन्होंने यानी टाइम भी अच्छे से मैनेज किया फिर अल्लाह ने हुक्म दिया अल की हा मूसा इसे फेंक दो यानी इतने सारे उन्होंने फायदे बताए अल्लाह ताला ने फौरन ही टेस्ट ले लिया और मूसा ने फौरन हुक्म की तामील की सुभान अल्लाह फलका तो जो ही उसने उसको फेंका तो वो या कह याक, को एक सांप था जो दौड़ा तो अब आप देखें कि सलाम के अमल में एक बहुत ही खूबसूरत बात है और वो क्या है कि अल्लाह ताला ने इनको पहले उन्होंने आप देखे इतने फायदे बताए और फिर अल्लाह ताला ने इनको कहा इसको फेंक दो उन्होंने फिर पूछा नहीं तो हमें भी अल्लाह ताला के किसी हुक्म को क्वेश्चन नहीं करना अपना हम जायजा लें कि क्या जब मुझे अल्लाह का हुक्म पता चलता है तो मैं फौरन मान जाती हूँ पहले मैं कहती हूँ अच्छा ये मुझे क्यों करना है और ऐसे क्यों करना है इसका मुझे क्या फायदा होगा ये तो नहीं करना पड़ेगा वो क्या कहेंगे ये मसला तो नहीं होगा नहीं कोई सवाल नहीं और फिर आप देखें कि अब अल्लाह ताला ने उससे भी मुश्किल हुक्म दिया और वो क्या था फरमाया इसे पकड़ लो और डरो नहीं अनकरीब हम इससे इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे यानी आप इमेजिन करें कि सांप और आपको काज इसको पकड़ लें यानी बहुत ही कोई ब्रेव किस्म के लोग होंगे हैं भी वैसे वो प्रोफेशनल्स होते हैं ना लेकिन किसी आम इंसान को कहें कि सांप पकड़े तो वो तो नहीं पकड़ सकता लेकिन अल्लाह सुबहाना सलाम को ये निशानियां दिखानी थी और फिर आप देखें कि आसान हुक्म अल्लाह ने दिया ये छोड़ दो उन्होंने छोड़ दिया फिर अल्लाह ताला ने कहा इसको पकड़ लो उन्होंने पकड़ लिया तो एक ईमान वाला भी ऐसा ही होता है बिल्कुल शाबाश जब अल्लाह पर भरोसा होता है और जब ये पता होता है कि मुझे मेरे लिए अल्लाह की अतात में खैर ही खैर है तो फिर इंसान सोचता नहीं फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने उनको एक और मुआजा दिया और अपने हाथ को अपने पहलू के साथ मिला लो वो बगैर किसी ऐप के चमकता हुआ निकलेगा ये एक दूसरी निशानी है तब आप देखिए दो मुआवजा और फिर अल्लाह ताला ने उनकी वजह भी बता दी ताकि हम तुम्हें अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाएं यानी आप देखें कि जैसे अम्बिया को एक तरह से एनुल यकीन दिया गया था ना कि वो अल्लाह सुबहान तला के जो मुआवजात है अपनी आंखों से देखें आप देखें कितना बड़ा मेरे है ये काम सी जो छड़ी थी वो लाठी थी वो सांप बन गया उन्होंने हाथ अपनी आम पिट से बाहर निकाला तो वो शाइन कर रहा था बगैर किसी तकलीफ के और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मसलन ये भी निशानियां और इतनी सारी निशानियां कायनात में मौजूद है फिर अब अल्लाह ताला ने उनको उनका टेस्ट भी दे दिया और वो क्या है इध बिला फिर आऊ फिर की तरफ जाओ क्योंकि वो सरकश हो गया और फिर मूसा ने इनकार नहीं किया बल्कि क्या कहा रबी शराहली सदरी उसने कहा ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरा मेरा सीना खोल दे आप देखें कि यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त बात पता लग रही है कि अगर अगरचे टास्क बहुत मुश्किल था मूसा सलाम की बहुत सारी हैंशन, हैंशन होंगी खौफ होंगे दिल में लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि ये मैं कैसे करूं तो हमें भी ना हिकमत समझ आ रही है कि जब हमें कोई काम दे ना तो अगर आपको वो काम मुश्किल लगे तो उस काम के बारे में थोड़ा सा पूछे आप कहें कि मैंने किया तो नहीं कभी लेकिन इनशाला आई कैन ट्राई मैं अल्लाह से दुआ भी करूंगी अल्लाह आसानी करेंगे यानी फौरन नो नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 मैं तो नहीं मुझे मुझे तो मैंने तो कभी ये किया ही नहीं मुझे तो आता ही नहीं किसी ने सिखाया ही नहीं और मैंने ना बस स्कूल में भी मैं बड़ी ना लायक होती थी मैथ्स में और मेरी ना कभी भी मैथ्स में पूरे नंबर नहीं आते थे और मेरी ना ग्रामर भी बड़ी कमजोर थी यानी हम इतना ज्यादा अपने आप को वही अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं यानी आसान से काम को भी ना हम इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अननेसेसरी तो इसलिए आप देखिए अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी खासतौर पर नेकी का काम है इनिशियट करें जैसे मुझे उसताजा की एक बात ने बहुत फ़ायदा दिया था मैंने उनसे कहा ना मैंने कहा उस जैसे इतने सारे काम होते ना मेरा दिल करता मैं सारे काम करूँ तो ने कहा कि बस अपनी नीयत अल्लाह के लिए खालिज कर लो और इन शह जिस काम में आपको पोटेंशियल होगा अल्लाह ताला उसमें उस आपके लिए आसानी करते जाएंगे तो ट्राई ज़रूर करें मैंने भी आप देखें बहुत चीज़ें ट्राई की लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह यू you नो know, एक फील्ड अपने लिए चूज कर ली तो अब हम चलते हैं इन अपनी नेक्स्ट दुआ की तरफ मुझे पता है आप सबको ये दुआ आती भी अलहमदिल्ला जितने भी कुरान के स्टूडेंट्स हैं ये दुआ तो एक मैंडेटरी पार्ट है उनकी जिंदगी का रबिशर वो यमरी एह मेरे रब मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी जबान की गिरा भी खोल दे

ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فليسكا. छोटे फ्रेज़ेस में तर्जमा देखते हैं। रब ए मेरे रब मेरा सीना ली सदरी मेरे लिए खोल दे ली अम्री, और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे विलसानी और मेरी जबान की गिरा भी खोल दे यू कौली ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें जी हाँ बिल्कुल सबके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि दुआ तो आप देखें अल्लाह से एक कम्युनिकेशन है ना हमारी अपनी वीकनेस अल्लाह के सामने बताना इस दुआ में हम अल्लाह से तीन चीजें मांग रहे नंबर वन कि या अल्लाह मेरा सीना खोल। सीना खोल का क्या मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट इसका मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आपको कोई मुश्किल काम करना होता तो आपको एक, एक बर्डन नहीं फील होता ये कैसे जैसे आप देखें एक मिसाल जो मुझे लगता है कि सब लोग इससे इस गुजरते हैं वो है ट्रैवल की है ना अब आप देखिए जब आपने ट्रैवल करना होता है तो आप पे कितना प्रेशर होता है ये पैक किया कि नहीं ये तो नहीं रह जाएगा वो तो नहीं रह जाएगा आखिरी दम तक अपना पासपोर्ट चेक करते रहते रखा या नहीं सामान में देखते रहते हैं, ये रखा या नहीं ये रखा था या नहीं तो ये क्या होता है कि आपके ऊपर एक बर्डन होता है ना तो उस वक्त भी आपको ये इनशाला हेल्प करेगी दुआ कि अल्लाह से दुआ करें अल्लाह आपका सीना खोल दे आपको रिलैक्स कर दे और दूसरा वो अमरी और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे यानी जो भी ये टास्क है टैसा ये मेरे लिए आसान हो जाए और फिर मेरी जबान की गिरा खोल दे यानी मेरे बोलने में कॉन्फिडेंस आ जाए आप देखें कि बहुत सारे लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है ना कहा जाता है कि कुछ लोग पब्लिक स्पीकिंग से इतना डरते हैं जितना मौत से भी नहीं डरते यानी इतना ज्यादा उनको ऑफ होता है लोगों के सामने बात करने का तो इसलिए आप देखें कि जब आपको किसी भी ऐसे इंसान से बात करनी है कि आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो ये दुआ आपके लिए तो हम कब इस दुआ को मांग सकते हैं जब हम चाहते हैं कि अल्लाह सुबहाना तला हमारे लिए किसी भी काम को हम चाहते हैं अल्लाह अल्लाहली आसान कर दे और अल्लाह ताला की हमें मदद चाहिए वो जैसे मसलन आपने कोई दर्श देना है कोई स्पीच करनी है कोई टॉक देनी है उससे पहले आप ये दुआ मांगे आपने कोई एग्जाम देना है आपका हिफ्स का एग्जाम है या किसी को आपने कुछ पढ़ के सुनाना है होता है ना ऐसे बाजार छोटे से काम आपको दिया जाता है उसमें भी इतने आप नर्वस हो जाते तब आप ये दुआ मांग सकते हैं इसी तरह आप देखें कि बाज दफ़ा आप, आपको कोई वॉइस मैसेज भेजता है और आपने उसका जवाब देना होता है और फिर आपको बाज समझ नहीं आ रही होती कि ये इसने कैसा मैसेज भेजा और क्या इसने ये बात की और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन होती है ना बाज दफ़ा तब भी आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि आप जो उसको जवाब दें वो ऐसा हो जो उसको समझ भी आ जाए और वो उसको मिसअंडरस्टैंड ना करे इसलिए आप देखें कि जब हम अल्लाह ताला से ये कहते हैं रबिश राहली सदरी तो इसमें दो चीजें आती हैं एक तो आप जो बर्डन फील कर रहे हैं उससे आप इजी हो जाए और दूसरा जो चीज़ आप समझना चाह रहे हैं जो चीज़ आप लर्न कर रहे हैं जैसे आप देखें मसलन आप कोई कोर्स कर रहे हैं उसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तब भी आप अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे कि आपके अंदर कन्विक्शन आ जाए जैसे आप देखें कि कुछ हमारे असलाफ उनके बारे में आता है कि वो अगर उनको एक आयत समझ नहीं आती थी तो वो कई की सौ दफा पढ़ा करते थे उस एक आयत के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब तक उनका कन्विक्शन ना आ जाए उनके अंदर या वो बात अच्छे से समझ ना आ जाए तो इसलिए आप देखें कि चीजों की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए नॉलेज की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए और साथ ही दूसरे की बात की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर इसी तरह आप देखें लफ दे। से पता चलता है कि ये दुआ दुनियावी कामों के लिए भी मांगी जा सकती है क्योंकि अम्र जो है ये कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन जनरल कर देता है मीनिंग को ना यानी कोई भी टास्क चाहे खाना पकाना अपने क्लीनिंग करनी है लॉन्ड्री करनी है आयरन करना है यू you नो know, ये काम भी बाद में कितने मुश्किल लगते हैं खासतौर पर जब आपका दिल ना चाह रहा हो तब भी आप अल्लाह से दुआ मांगे ये अल्लाह मेरे और अमरी पे आप इमेजिन करें अपनी क्लीनिंग लॉन्ड्री कुकिंग जिस जिसमें मुश्किल हो रही है इसी तरह बड़े कामों के लिए कुरान याद करना है कुरान पढ़ना है नफल पढ़ने है तरावी पढ़नी है जो भी काम है ना अमरी में उसको इमेजिन करें साथ दुआ को मांगते हुए तो इन एवरी टाइप ऑफ टास्क चाहे आप देखें वो फिजिकल है है चाहे वो सेक्यूलर uh, वर्ल्ड से रिलेटेड है कोई भी काम है आप अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह उसको आसान कर दे और फिर वाहन आप देखिए हम अल्लाह क्या कह रहे हैं कि या मेरी स्पीच स्किल्स ब्यूटीफुल हो जाए यानी मेरी बात में अफेक्टिवनेस आ जाए एक इम्पैक्ट हो मेरी बात में जब मैं दूसरे से बात करूं, जैसे आप कहते हैं ना बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स तो आप अल्लाह ताला से बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स मांग रहे हैं जब आप कहते हैं मिल यानी आपने देखा होगा कि बज दफ़ा हम बात करते हुए इतना ज्यादा रिपीट कर देते चीजों को तो ये अफेक्टिव स्पीच नहीं है अफेक्टिव स्पीच क्या होती है कि कम जुमलों में पूरी बात कर दी जाए बजाय इसके कि सेम ही बात को बार 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 दोहराया जाए, जैसे आप देखें कुछ लोग मैंने देखा माशाल्लाह वो एक मिनट में पूरी बात समझा देते हैं अपने वॉइस नोट में कुछ लोग थर्टी सेकेंड्स में किसी का मैच सिर्फ ट्वेल्व से सेकेंड में पूरी बात थी लेकिन आप देखें कुछ लोग छह मिनट सात मिनट में बात को करते हैं और उसमें क्या होता है एक मिनट की कंपेरिटिवली रेपिटिशन बहुत ज्यादा होती फिर फिर आप देखें कि यफ कहू कौली ये भी बता दिया गया कि हमें मुझे अपनी स्पीच क्यों बेहतर करनी है ताकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों यानी दूसरे इंसान को मेरी बात समझ आ जाए जैसे आप देखें कि इस चीज़ को कितना लोग फेस करते हैं ना कि हम कहते कुछ और हैं लोग उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं और कितनी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से होती हैं अच्छा फिर आप देखें कि ये दुआ आप तब भी मांग सकते हैं कि किसी से बहुत अहम बात करनी है और डरे कहीं वो नाराज ना हो जाए ठीक है तो ऑप्शन वन क्या है कि दुआ करें और कर ऑप्शन क्या है कि रह नहीं दो क्या करूं? तो आप कौन सा ऑप्शन लेंगे आज इस दुआ को सीखने के बाद ऑप्शन वन दुआ करें अल्लाह से और इन दिल में डालेंगे और आप अच्छे से बात कर सकेंगे क्विज की आपने बहुत अच्छी तैयारी की मगर फेल होने का डर है अब आपको कि मैं फेल ना हो जाऊं अल्लाह से दुआ करें और कर ले छोड़े रहने दें फेल हो जाऊंगी मैं ये ना गलत कर दू वो ना गलत कर दू दुआ एंड डू इट ठीक है तो आप देखें कि कोई भी मुश्किल वक्त है ना कामयाब होने के लिए क्या करें अल्लाह से मदद मांगे और अपना हंड्रेड परसेंट उस काम को दे तो इनशाला आप कामयाब होंगे तो ये मूसा सलाम की दुआ है इसकी एक दो फिर रिसाइटेशन सुनते हैं और फिर इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को कंक्लूड करेंगे رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة कसीरा, सलाम की इस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए अल्लाह अल्लाह से है कि Allah ताला हमारे लिए दीन दुनिया और आखरत के सब मामला को आसान करे और ऐसे कामों की तोफीक दे जिससे वो राजी और खुश हो जाए आमीन जजाकन का सीरा बार्लाफी सुबह अशदुल्ला वरम वक्ट्सऐप और टेलीग्राम के चैनल के आ, बार कोड है अगर आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए या दुआ के इमेजेस चाहिए दूसरों से शेयर करने के लिए तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं इन शल मुलाकात होगी नई दुआ के साथ अपना ख्याल रखियेगा